हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहां पे बात कर रहे हैं आपके सामने RAC की, मतलब इसकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, जिसके अंदर मैं 4 वीडियो लगभग अभी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वो वीडियो। और मैं आज जो बात कर रहा हूँ जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। ये आपका एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है पूरे की पूरा जो मैंने सेटअप बना रखा है। आप सभी ने स्टीम इंजीनियरिंग के अंदर आपने ब्रेटन साइकिल या फिर गैस टर्बाइन के बारे में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, जो कि आपका एयरक्राफ्ट का जो इंजन होता है उसको चलाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है, पर मैं अपलोड कर दूंगा स्टीम इंजीनियरिंग की वीडियो। पर यहाँ पे क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है कि जो आपका केबिन होता है एयरक्राफ्ट का, उसके अंदर जो कूलिंग प्रोवाइड करने का मेन इशू वही है कि अपन का जो केबिन है एयरक्राफ्ट का, उसके अंदर हमारी जो कूलिंग होनी चाहिए वो आपकी 1 bar के ऊपर लगभग होनी चाहिए। मतलब कि आपका 1.03125 bar के ऊपर आपकी कूलिंग प्रोवाइड होनी चाहिए चैम्बर के अंदर, और टेम्परेचर अप्रोक्स जो आपका कूलिंग प्रोवाइड करनी है उस टेम्परेचर में हो जाए। मेन इशू क्या रहता है कि जब हमारे एयरक्राफ्ट ऊपर स्काई में उड़ रहा होता है, आसमान में होता है, तो उस टाइम पे जो आपका प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। क्या होता है आपका? लो होता है। तो उस केस के अंदर हमारा जो कूलिंग सिस्टम है उसको, अगर मेरे को एयर प्रोवाइड करनी है उस सिस्टम के अंदर, तो मेरे को उसका प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना होगा। तो ये पूरा सिस्टम मेरे को डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है मेरा सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। तो इसके अंदर कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पे आपको TS डायग्राम बना के दिखाऊंगा पूरा साइकिल, और किस तरीके से मेरे को सॉल्व करना है वो सारी चीजें भी मैं आपके सामने कंप्लीट करूंगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर आपका 1-2 प्रोसेस होता है। 1-2 प्रोसेस के अंदर आपकी क्या होती है कि रैमिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है आपका? रैमिंग प्रोसेस। तो बात करें कि रैमिंग प्रोसेस होता क्या है कि सबसे पहले जो आपकी एम्बियंट एयर होती है, कि ये जो एम्बियंट एयर होती है उसका प्रेशर आपका लो होता है और टेम्परेचर भी आपका लो होता है। तो इनिशियल केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका प्रेशर भी कम होगा और आपका टेम्परेचर भी कम होगा। तो रैमिंग प्रोसेस के अंदर जो आपका प्रोसेस काम करता है वो करता है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पे। किस पे करता है? आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पे। तो इसके केस में क्या होता है कि जब मैं इस प्रेशर को कंप्रेस करता हूं तो उस प्रेशर की वैल्यू इस जगह पे आके इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। देन आफ्टर आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं टेम्परेचर की भी बात करूंगा तो इन दिस प्रोसेस आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, बट ड्यू टू द रैमिंग प्रोसेस, जो रैमिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर एक आपकी कंडीशन आती है कि वो प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन तो होता है पर उसकी जो कंडीशन वेरी करती है वो आइसेंथेल्पिक होती है। आइसेंथेल्पिक का मतलब क्या होता है? एनथेल्पी शुड बी कॉन्स्टेंट होती है। तो एनथेल्पी जब आपकी कॉन्स्टेंट होती है उस केस के अंदर जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपका लगभग लगभग कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ द एक्चुअल साइकिल, तो अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि जो आपका आइडली जो T2 है और एक्चुअली आपका T2' है, तो वो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे थ्योरी के अंदर पूरा लिखा हुआ है बुक के अंदर, आप वहां पे जाके और डीपली पढ़ सकते हो, पर सेम टू सेम थ्योरी लिखी है जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, आपका जो मेन कंप्रेशर है वो आपका गैस टर्बाइन को चलाने के लिए भी काम आता है और आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाने के लिए भी काम आता है। जो मेन कंप्रेशर है वो आपका जो प्रेशर आता है उसको और ज्यादा हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड कर देता है और टेम्परेचर जो होता है उसको भी इनिशियली इंक्रीज कर देता है। कितना इंक्रीज कर देता है मैं आपको बताऊंगा जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन। वैसे जनरली सिंपल एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम जो होता है उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लगभग 8 TR के आसपास होता है। मतलब कि आपकी जो घर में 2 ton की 1.5 ton की AC लगी रहती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 ton का आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है एक कूलिंग एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम के अंदर। देन आफ्टर जो आपका 2-3 प्रोसेस है वो होता है आपका मेन कंप्रेशर के अंदर। मेन कंप्रेशर के अंदर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। देन आफ्टर द हम अपन आते हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा होता है। सभी को पता होगा कि हीट एक्सचेंजर अपना कॉन्स्टेंट प्रोसेस पे काम कर रहा होता है और ये प्रोसेस मेरा 3-4 प्रोसेस में वर्क कर रहा होता है। किस में काम कर रहा होता है? आपका 3-4 प्रोसेस में काम कर रहा होता है। यहाँ पे एक मैंने मिस कर दिया है कि आपके सामने ये टर्बाइन लगा रखी है कि टर्बाइन के अंदर क्या होता है कि टर्बाइन के थ्रू मैं एक फैन को चला रहा होता हूँ जो कि आपके रैम्ड एयर को, जो कि हीट एक्सचेंजर के अंदर कूल्ड करने के लिए जरूरत पड़ रही है, उसको ले रहा है और उसको आउट कर रहा है यहाँ से एयर को। फिर यहाँ से आपका 5-6 प्रोसेस होता है आपका।
टर्बाइन प्रोसेस होता है, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन आप सभी को पता है कि इसके अंदर आपका प्रेशर डिक्रीज होगा आइसेंट्रोपिकली, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। देन आफ्टर 5 to 6 आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका केबिन प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपकी जो एयर होती है वो केबिन के अंदर जाती है। तो मैं आपको साइकिल बना के दिखाता हूँ कि साइकिल कैसे बनेगी, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो आपको याद रखना है बस 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ, देखते हैं साइकिल अच्छी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, सॉरी। टी फॉर द टेम्परेचर, एस इज द एंट्रोपी। कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एंट्रोपी क्या है मेरी, एक्स एक्सेस पे मेरी एंट्रोपी है और वाई एक्सेस पे टेम्परेचर है। तो जो मेरा ग्राफ बन रहा है वो टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में बन रहा है। तो सबसे पहले मैं बात देखूंगा कि जब आपकी एयर इनलेट कर रही होगी तो वो किस प्रेशर पे आ रही होगी, आपकी एम्बियंट प्रेशर पे। तो ये लाइन है आपकी, वो आपकी शो कर रही है आपकी एम्बियंट प्रेशर की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी एम्बियंट प्रेशर की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो आपकी एयर है वो इनलेट करी है आपकी वन पे, और वो दूसरे पॉइंट पर जाएगी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पे। अगर वो साइकिल आपकी आइडियल है, अगर वो आपकी साइकिल आइडियल है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। तो यहां पे जो आपका प्रोसेस आएगा वो क्या आएगा, आपका आइडियल रैम प्रोसेस। क्या है आपका आइडियली रैम प्रोसेस, और कैसे जाएगी आपकी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जाएगी, कैसे जाएगी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। देन आफ्टर मैंने बताया कि इन दिस रैमिंग प्रोसेस जो आपका एक्चुअल प्रोसेस होता है उसके केस में क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन है वो आइसेंथैल्पिक वेरिएशन होता है उसके अंदर। आइडियली जो प्रोसेस है उसको एक्चुअल में चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है आपका, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो आपका जो आइडियली प्रेशर है उससे आपका थोड़ा सा प्रेशर डाउन हो जाता है, तो वो कहता है आपका एक्चुअल रैम प्रोसेस। तो इसके केस में क्या होता है कि टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट विज 2 to 2 जो आपका टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहा, मतलब यहाँ पे आपका क्या रहा 2 to 2। तो आपको क्लियरली दिखाई दिया कि यहाँ पे आपका क्या हुआ 2 to 2 हुआ, और 2 to 2 के यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 to 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, T2 इज इक्वल T2 टू टू द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। अगर यहाँ से बात करेंगे 2 to 3 जाएंगे, देन आफ्टर आपका होगा मेन कंप्रेशर। तो मेन कंप्रेशर क्या होगा आपका, ये कुछ इस तरीके से मेन कंप्रेशर का है ये आपका प्रेशर, मेन कंप्रेशर प्रेशर, मेन कंप्रेशर प्रेशर में अगर मैं जा रहा हूंगा तो 2 से जाऊंगा क्योंकि दैट्स अ आइडियल, दिस इज अ एक्चुअल, तो मैं एक्चुअल प्रोसेस से बढ़ूंगा। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, सॉरी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, तो मैं कहां पे पहुंचा आपका थर्ड पॉइंट पे, कहां पे पहुंचा आपका थर्ड पॉइंट पे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ कंडीशंस दिया जाए, कंडीशंस क्या हो गई मेरी कि जो प्रोसेस है वो मेरा उसके अंदर एफिशिएंसी दे दी आपको कंप्रेशर की, कि मेन कंप्रेशर की एफिशिएंसी आपकी कुछ है, तो उसके केस में आपका एक और यहाँ पे ग्राफ चेंज होता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है कि कंप्रेशर के अंदर जब ये आपका ये वाला 3 वाला पॉइंट है वो आपका आइडियल पॉइंट है, और जो 3 वाला पॉइंट है वो एक्चुअल पॉइंट है। तो एक्चुअल पॉइंट में क्या होता है कि आपका ड्यू टू द फ्रिक्शन, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये आगे मैं बताऊंगा कि एफिशिएंसी में इसको कैसे डिनोट करेंगे। अब 3-4 मैंने बताया था आपको हीट एक्सचेंजर है, तो मेरा हीट एक्सचेंजर जाएगा। तो हीट एक्सचेंजर कैसे जाएगा देखिए, ये आ गया मेरा फोर्थ पॉइंट, और ये कैसे है मेरा हीट एक्सचेंजर के अंदर कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके बाद क्या होगा कि 4-5 आएगा और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा, और कहां तक आएगा आपका केविन प्रेशर तक। केविन प्रेशर क्या होगा आपका, एटमोस्फेयर प्रेशर से ज्यादा होगा और रैम प्रेशर से कम होगा। तो ये क्या होगा मेरा केविन प्रेशर, यहां से क्या होगा आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, दिस इज अ 5 पॉइंट, दिस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हुआ यहाँ पे। और आपको पता है कि अगर इसकी भी कोई एफिशिएंसी दी होगी तो यहाँ पे भी आपको पता होगा कि अगर इसकी भी एफिशिएंसी होगी तो ड्यू टू द फ्रिक्शन इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा 5 to 5, और यहाँ से यहाँ तक आपका केविन दैट इज 6, और ये आपकी ओपन साइकिल है। तो ये थी मेरी साइकिल, पूरी कंप्लीटेड हो गई साइकिल। यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये कौन कौन से प्रोसेस थे। ये था मेरा आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन, ये था मेरा आइसेंट्रोपिक, एक्सपांशन और ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे, ये मैंने बता दिया था कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ है बट ड्यू टू द टेम्परेचर किसकी वजह से आपका सेम हो रहा है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस की वजह से सेम हो रहा है। ये थी मेरी साइकिल। अब पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि फर्स्ट वन प्रोसेस के अंदर मेरे को क्या करना है, सेकंड वन प्रोसेस के अंदर क्या करना है, थर्ड वन प्रोसेस के अंदर क्या करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे मिलेगा, सीओपी मेरे को कैसे मिलेगी, ये चीज मेरे को आइडेंटिफाई करनी है। तो देख लेते हैं, तो इसको मैं साइड में रख लेता हूं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आता हूं प्रोसेस वन टू टू रैमिंग प्रोसेस। देखिए गाइस, इसके अंदर दो कंडीशन होती है कि आपको एक तो एफिशिएंसी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? एक तो एफिशिएंसी मिलेगी, या तो वो आपको रैमिंग एफिशिएंसी दे सकता है, रैमिंग एफिशिएंसी दी जाएगा तो उसके थ्रू आपके जो वैल्यू है प्रेशर की वो चेंज हो जाएगी कि वो प्रेशर की वैल्यू कितनी निकलेगी, क्योंकि टेम्परेचर तो आपका कॉन्स्टेंट है। अगर वो आपको वैल्यू नहीं देता तो वो आपको एक और चीज देगा, वो देगा आपको मैक नंबर। मैक नंबर भी आपको गिवन मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर। अगर वो मैक नंबर भी नहीं देता है तो जनरल कंडीशन होगी। तो देख लेते हैं क्या होगा। एक फॉर्मूला बनेगा T2 over T1 और आपको पता है T2 is also equal to the T2 dash, तो T2 dash over 1 फॉर्मूला है 1 प्लस के गामा माइनस 1 बाई 2 मैक नंबर का स्क्वायर। प्लीज ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला पहले आया कहां से। ये अपने स्टीम इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा है, स्टीम इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा है, नोजल के अंदर। कहां पे पढ़ा है अपन ने? नोजल के अंदर, जहां पे अपना रैमिंग प्रोसेस हो रहा होता है वहां पे अपन ने ये फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया है। इसका मैं डेरिवेशन भी अपलोड कर दूंगा अगर आपको चाहिए, पर इन आरएसी दिस डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो मैं इस डेरिवेशन को यहां तो नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कि अगर मेरे को यहां पे रैमिंग एफिशिएंसी मिलती है या नहीं मिलती है, तो देख लेते क्या कंडीशन आएगी। सबसे पहले अगर आपके पास यहां पे सिर्फ डायरेक्ट टेम्परेचर ही डिफरेंस होता तो क्या होता, T2/T1 इज इक्वल P2/P1 की पावर गामा माइनस 1/ गामा। यहां से मैं क्या करूंगा, अगर इस वाले प्रोसेस से मेरे को T2 और T1 बताया तो मैं यहां से P2 को आइडेंटिफाई कर लूंगा, और फिर मैं यहां पे जैसे आपको दिख रहा है कि P2 डैश पे मेरे को पहुंचना है, तो एक चीज देखना कि आप देखेंगे कि यहां पे P2 की वैल्यू इज मोर देन P2 डैश, तो एफिशिएंसी में क्या होगा आपका, देखिए एफिशिएंसी फॉर रैमिंग प्रोसेस, क्योंकि आपकी जो ऊपर वाली वैल्यू आनी, क्योंकि एफिशिएंसी इज नॉट मोर देन द 100%, क्योंकि जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो 100% से ज्यादा नहीं होती, तो जो ऊपर वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी आपकी, कम आएगी। क्या आएगी आपकी वैल्यू? कम आएगी, क्योंकि नीचे वाला जो प्रेशर है एम्बिएंट प्रेशर वो तो कांस्टेंट है, तो कम कैसे आएगी? जो कम वाली वैल्यू है उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कम वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या निकल के आएगी देख लीजिए, P2 - P1/P2 - P1, तो ये क्या निकली, एफिशिएंसी ऑफ रैमिंग या रैमिंग एफिशिएंसी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, P2 डैश की वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा अगर वो रिक्वायर्ड है तो, अगर रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये हो गया मेरा 1-2 प्रोसेस। ये तीन फॉर्मूले मेरे को रिक्वायर्ड होंगे फर्स्ट 1-2 प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए, और कोई फॉर्मूले रिक्वायर्ड नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस 2-3 और कहां पे आपका मेन कंप्रेशर में, मेन कंप्रेशन में, और कैसे है आपका आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन, कैसे है आपका आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि आपका दिख रहा है डायरेक्ट कि T2 से T3 जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि T3/T2 इज इक्वल P3/P2 की पावर गामा माइनस 1/गामा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, यहां से आप T3 आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर मेरे को एक और चीज दी है कि अगर उसने एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर दे दी तो मेरे को T3 डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो T3 डैश की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो साइकिल पे आ जाते हैं फटाफट से। यहां पे देखिए कि T3 डैश इज मोर देन टू द T3, तो मेरे को फिर वही वाला फंडा लगाना है कि ऊपर की वैल्यू कम आनी चाहिए, देन आफ्टर मैं उसको पुट कर सकता हूं। तो देखिए आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी, T3 की जो वैल्यू है अगर मैं T2 डैश में सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन आफ्टर इसकी वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कम आएगी और ये वाली वैल्यू मेरी ज्यादा आएगी। तो एफिशिएंसी निकल के आएगी आपकी T3 - T2 - T3 - T2। तो सिंपल है बिल्कुल, आपने देख लिया, यहां से मैं यहां से T3 डैश की वैल्यू निकाल सकता हूं।
जब मेरे यहाँ से T3 डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो मेरे को एक और चीज निकालना पड़ेगा जो कि है कंप्रेशर का वर्क। तो क्या होगा, कंप्रेशर वर्क वो क्या होगा आपका, एट कॉन्स्टेंट देख लीजिए आप, MACP T3 डैश माइनस के T2 डैश, दिस इज माई कंप्रेशर वर्क। MA क्या है, जो आपकी एयर अंदर की तरफ आई है, दैट इज अ मास ऑफ एयर, तो वो जो है आपकी वो मेरी यहाँ पे निकाली हुई है इन पर सेकंड, मतलब ये आपकी पर सेकंड में दी हुई है, केजी के अंदर नहीं है, केजी पर सेकंड है कि एक सेकंड के अंदर कितना मास आ रहा है। ठीक, 2 to 3 प्रोसेस हो गया, मैं आ जाता हूँ 4 to 1 प्रोसेस। 4 to 1 प्रोसेस आ जाते गाइस, प्रोसेस 2 to 3 हो गया, 3 to 4 मैं गलत बोल गया था, 3 to 4 प्रोसेस। और यहाँ पे मेरा हीट एक्सचेंजर के अंदर है, और हीट एक्सचेंजर के अंदर आपके क्या हो रही है, हीट एडिशन हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है। जैसे आपकी हीट रिजेक्ट होगी, हीट रिजेक्ट होगी, और ये किसके अंदर है आपका, कंडेंसर के अंदर, किसके अंदर है आपका, कंडेंसर के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपकी जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कितने से कितनी रिजेक्ट हो रही है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि हीट रिजेक्ट इज इक्वल MACP मैक्सिमम टेम्परेचर इज T3 डैश माइनस के T4। आप यहां देख सकते हैं T3 डैश से मैं कहां आ रहा हूं, T4 आ रहा हूं, तो हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है यहां से, हीट एक्सचेंजर से, MACP T3 डैश माइनस के T4। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं अपन टर्बाइन के अंदर, तो यहां पर लिख लेंगे प्रोसेस 4 to 5 कहां पे आपका, टर्बाइन। प्रोसेस कैसे चल रहा है आपका, आइसेंट्रोपिकली एक्सपांशन, कैसे चल रहा है आपका, आइसेंट्रोपिकली एक्सपांशन। तो आइसेंट्रोपिकली एक्सपांशन है, तो आपको दिख रहा है कि यहां से लेके मेरे को नीचे जाना है, तो यहां पे T4 था और यहां पे मेरा T5 था, और कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आया था, यहाँ पे कितना हो गया था, T5 डैश हो गया था। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो मेरे को यहाँ पे T5 ही निकालना है, तो T5 कितना निकलेगा, T4/T5 इज इक्वल P4/P5 की पावर γ-1/γ। एक तो ये चीज़ अभी, दूसरी इसकी एफिशिएंसी दी होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन इज इक्वल, और फिर भी दोबारा कम ज़्यादा वाला फंडा लगाना है, यहाँ पे ये वैल्यू आपकी स्टिल कांस्टेंट है, अगर इस वैल्यू में से मेरे को कम लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो T4-T5/T4-T5। तो इस जगह से मैं यहाँ से T5 की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लूंगा, देन आफ्टर मैं यहाँ से टर्बाइन का वर्क निकाल सकता हूँ। पर टर्बाइन का वर्क आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता, अपन डायरेक्ट जो COP निकालते हैं वो आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ओवर वर्क डन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ओवर वर्क डन निकालते हैं। तो इसके बाद अपन डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर पहुंचते हैं, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है मेरा, प्रोसेस 5 to 6, और वो कहाँ पे आपका, इवोपरेटर के अंदर, इवोपरेटर के अंदर कैसे आपका कांस्टेंट प्रेशर है, देख लेते हैं कहां से कहां तक जा रहा है आपका, कुछ इस तरीके से देखिए, T5 डैश से लेके 6 तक जा रहा है, तो T5 डैश से 6 के लिए आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल MACP T6-T5-, क्योंकि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसके साथ आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 6 वाला, क्योंकि जब भी आपका जो इवोपरेटर होता है वो कूलिंग जब प्रोवाइड करता है कि जब वो एडिशनल जो आपकी हीट होती है रूम के अंदर की उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है आपकी, 210Q। तो 210Q क्या है आपके, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको कितना प्रोवाइड कर रहा है, 10 TR दे रहा है, 8 TR दे रहा है, 30 TR दे रहा है, तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी दैट्स अ मल्टीप्लाई ऑफ 10, और यहाँ पे 210 का मतलब क्या है आपका, किलो जूल पर मिनट, के वहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है वो मल्टीप्लाइड बाई 210Q होगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं MA की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरी एयर कितनी रिक्वायर्ड होगी। एक COP की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो COP की वैल्यू ये लिख देता हूँ, COP इज इक्वल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ओवर वर्क डन ऑफ कंप्रेशर। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा, 210Q,
या फिर एम ए सी पी टी सिक्स माइनस टी फाइव, और यहाँ पे आपका वर्कडन कितना हो जाएगा एम ए सी पी टी थ्री डैश माइनस के टी टू डैश। क्लियर है खानी? तो ये होगी आपकी सी ओ पी। तो बस आपको यही क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे कैसे बनता है, मैंने आपको ये बता दिया। साइकिल भी आपको पूरी की पूरी आइडेंटिफाई है कि साइकिल आपने कैसे बनाई है, और मैं इसके आगे के टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स कंप्लीटेड करूंगा गाइज। और आप टेक्निकल क्लासेस के साथ ऐसे जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी और थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, सॉरी इसके लिए गाइज। पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस सेमेस्टर में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होगी। और भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको भी कवर करूंगा, हीट एंड मास ट्रांसफ़र है उसको कवर करूंगा साथ के साथ, और भी है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।